अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार लाडली बहनों की लहर नहीं बल्कि आंधी चली है। बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में 163 सीटें आई हैं, वहीं कांग्रेस ने 66 सीटें जीती हैं, एक सीट अन्य के खाते में आई है। बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए थी इस चुनाव में। रोचक ये है कि यहां सपा बसपा आप या निर्दलियों का खाता तक नहीं खुल पाया। भाजपा कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में एंट्री की। सैलाना से पार्टी के कमलेश्वर डोडियार 4,618 वोट से जीते। पिछली बार मध्य प्रदेश में 4 निर्दलीय के साथ 2 बसपा 1 सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कुछ बड़े नामों को हार का सामना भी करना पड़ा। मंडला की निवास विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री फंगन सिंह कुलस्ते, सतना से सांसद गणेश सिंह हार गए। वहीं दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत शिवराज सरकार के 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के 3 सांसद जीत चुके हैं। सैलाना में भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार ने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को हराया। वहीं भाजपा प्रत्याशी संगीता चारी तीसरे नंबर पर रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाडली बहना को गेम चेंजर बताते हुए भोपाल में कहा कि ग्वालियर चंबल सहित प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना कद दिखा दिया। वहीं जीत की वजह लाडली बहना के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए। उन्होंने इंदौर में कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना नहीं है, लेकिन हमें वहां भी जीत मिली। यह पीएम मोदी के करिश्मे की जीत है। वहीं कमलनाथ ने कहा, इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। विपक्षी दल के नाते हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं। हम खामियों का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि हम मतदाताओं को अपनी बात क्यों नहीं समझा पाए। वहीं शाजापुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुम सिंह को सिर्फ 7 वोट से हराया। हुकुम सिंह ने रीकाउंटिंग कराई। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। मोर्चा संभालते हुए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। रीकाउंटिंग में भीमावत 28 वोट से जीत गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। इस बार का चुनाव परिणाम बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई थी इसमें ऐसा लग रहा था कि सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन जैसे नतीजे आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। बहरहाल अब एमपी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का ही दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मामा की लाडलियों ने ही ये बम्पर जीत दिलाई।